माने माने भविष्यवक्ता, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, तंत्र सम्राट डॉक्टर चंदन शास्त्री, जो बताएंगे आपको आपके जीवन से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के समाधान। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मां तारा। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र मंत्र टोने टोटके में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं यही कामना भगवान से करता हूं कि आपका परिवार स्वकुशल और अच्छे रहे। ऑलमाइटी ब्लेस यू टू यू। आप जानते हैं कि धरती का सबसे विचित्र प्राणी सांप है, और सांप को देखते ही आपका रोंगटे खड़ा हो जाता है और आपको शरीर के अंदर में तरह तरह का हलचल होने लगता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने आपको जा रहा हूं कि सांप का सपने में देखना क्या होता है, सपने में सांप देखने का मतलब क्या होता है, क्यों देखते हैं सांप की स्वप्न, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और आप अगर मेरे वीडियो में नए आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे, ताकि मैं आपके बीच में इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूं। आइए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सपने में सांप का देखने का मतलब क्या है, क्यों देखते हैं लोग सांप का स्वप्न, और सांप का स्वप्न देखने से क्या हो सकता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सांप का सपने अगर कोई पुरुष व्यक्ति देखते हैं, मतलब क्या कि जेंट्स, इंग्लिश में जेंट्स कहते हैं, हिंदी में पुरुष कहते हैं, वो अगर सांप का स्वप्न देखते हैं या सपने में उनको सांप दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि उनकी आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा होगा, और साथ साथ जो है उनको कहीं न कहीं से रुका हुआ धन की प्राप्ति होगा, तभी वो सांप का सपने देखते हैं। लेकिन कोई भी अगर गर्भवती महिला अगर सांप का सपने देखते हैं, तो समझ लीजिए कि घर में वंश का वृद्धि होगा। बरसों पहले से ही अगर आपके घर में किसी भी संतान में अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, तभी सांप का सपने में आना बहुत ही अच्छा, फलदायक और शुभ माना गया है। सांप का सपने जो है वो तरह तरह का सांप का सपने है। अगर मान लीजिए आप गोहमन सांप के सपना देख लिए, अगर मान लीजिए ढोंड सांप का सपना देख लिए, जो पानी में सांप रहता है वो सांप का स्वप्न दूसरा होता है, और आपका गोहमन सांप जो होता है, जो सबसे डेंजर सांप जिसको माना गया है, जिसको कोबरा बोलते हैं इंग्लिश में, अगर वो सांप का अगर स्वप्न देख लिए, तो आपके बना हुआ काम जो है वो बहुत ही ऊंचाई की ओर जाएगा, और बिगड़ा हुआ काम आपको बनने वाला है, तभी वो सांप का स्वप्न के रूप में आप दिखाई देता है। लेकिन सांप का स्वप्न दिखने से आप हमेशा डर जाते हैं, रात में चिल्ला करके उठते हैं कि सांप का सपना आ गया। लेकिन डरिएगा नहीं, सांप चूंकि एक ऐसा जानवर है, ऐसा प्राणी है, अगर सांप इस धरती में नहीं रहे तो पूरी धरती जो है पूरी तरह से जो है जहर में घुल जाएगा। वायुमंडल और वातावरण की जो स्थिति है जहर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सांप ही एक ऐसा प्राणी है कि जहर को एब्जॉर्ब करने का, मतलब कि जहर को सोखने की कैपेसिटी सांप के अंदर में है। लेकिन सांप जो है देखने से ही बहुत अजीब किस्म का लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सांप का स्वप्न नहीं आए और मेरा काम बनते रहे,
तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सांप का सपने को कैसे आप बंद कर सकते हैं। उसके लिए सोमवार के दिन में 21, 51 या 108 बेल पत्र, कच्चा दूध किसी भी प्रतिष्ठित और नामी शिव मंदिर में जाकर के, भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर इसे चढ़ा दीजिएगा और कच्चे दूध को डाल देने से ही आपका सांप का स्वप्न बंद हो जाएगा। लेकिन यह क्रिया आपको 7 सोमवार करना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से अगर आप ग्रसित है तो आपको सांप का स्वप्न हमेशा दिखाई देगा, ऐसे आपको निजात नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए एक उपाय है, आपको महाकाल भैरव का आपको जाप करना होगा और इसके साथ साथ में जो है आपको सिर कटा हुआ जो काली है छिन्न नमस्तिका माता का आपको जाप करना होगा। ये दोनों कर तरह का जाप अगर आप करते हैं तो आपकी सांप का स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी मंत्र क्या है, इसका क्या विधान है, इसके लिए आपको जो है पूरी तरह से आपका एक मंत्र मैं अगले वीडियो बता देना दूंगा कि आपको सांप का स्वप्न कैसे बंद होगा, इस मंत्र का जाप कैसे कीजिएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा टोटे और टोटके के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि सांप का स्वप्न को बंद करने का तरीका। तो आप एक काम कीजिएगा, कच्चा दूध में, मतलब क्या कि आप ऐसा दूध लीजिएगा जिस गाय का बछड़े या बच्चा हो, तो उस गाय के कच्चा दूध गिलास में डाल लीजिएगा, तो आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गन्ने का जूस मिला दीजिएगा, माने गन्ने का रस उसमें मिला दीजिएगा और तीनों चीज मिला करके 11 पीस बेल पत्र डाल करके किसी भी शिव मंदिर में आपको जो कि शिवलिंग पर उसको आप डाल दीजिएगा। इतना ही करने से आपका सांप का स्वप्न आने से बंद हो जाएगा और आप जो रात में डरते हैं वो भी आपको डर भय खत्म हो जाएगा। एक ही उपाय। दूसरा उपाय है कि आपका कुंडली भी अगर काल सर्प दोष से ग्रसित है तो आपका सांप का सपने हमेशा दिखाई देगा, उसे भी बंद करने का एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि एक कैट्स आई पत्थर होता है, आप अपनी उम्र सीमा के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 वर्ष है तो उसमें 7 से 9 रत्ती का कैट्स आई पत्थर चांदी में जुड़वा करके बीच वाले उंगली में किसी शंकर भगवान से के मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करके आप उसे धारण कर लीजिएगा, इससे भी आपका सांप का स्वप्न आना बंद हो जाएगा। और साथ साथ जो है एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए आपका कहीं कोई रुका हुआ धन है, कोई काम आपको अगर बन नहीं जा रहा है, वो बनने में विघ्न पड़ रहा है, अगर अचानक आपका सांप का स्वप्न दिखाई दे, सपने में अगर सांप का आ जाए तो आपको जो है, आपको अगर सांप भगाते हैं दौड़ाते हैं तो उससे डरिएगा नहीं। इसके मतलब क्या है कि आपका रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी और साथ साथ जो है कि कोई भी काम में असफलता जो मिल रहा है वो काम आपको बनने वाला है, इसीलिए सांप को स्वप्न के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे आपको डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मध्य रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में अगर सांप अगर आपको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, अगर आपको काट ली पीछे से आकर के और उसमें ब्लड निकल रहा है तो समझ लीजिए चमत्कारिक ढंग से एक सप्ताह के अंदर में या 24 घंटा के अंदर में वो कार्य जो है आपको पूर्ण रूप से सफल होने वाला है, इसीलिए आपको सांप के रूप में वो कार्य को दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है भगवान भोलेनाथ की
दर्शन हमेशा कीजिए। भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ अनुष्ठान में हमेशा भाग लेने से भी आपको काल सर्प दोष से भी कटित होगा और साथ साथ में सांप का जो भय है या स्वप्न में सांप का जो दिखाई देना है वो आपका बंद हो जाएगा। मैं यही चंद बानी और छोटे से टोटका के साथ में आपको मैं बता दिया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके सामने इस तरह का वीडियो हमेशा प्रस्तुत कर सकूं। यही मैं मंगल कामना के साथ में आपसे विदा ले रहा हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।